हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है बेटा, क्लियर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, नाउ वी विल गो विद द हेरोन्स फॉर्मूला, क्लियर। चलिए हेरोन फॉर्मूला में पहले मैं कुछ चीजें आपको बेसिक डिफाइन कर देता हूँ, कौन सी चीज क्या होती है आपको शायद ही पता भी होंगी सारी की सारी, है ना। देखना डिस्कस करते हैं। पहला देखना, सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल क्या होता है, क्लोज फिगर होता है बाउंडेड बाय थ्री साइड, ठीक है, उसी कुछ ना कुछ हाइट होगी। मान लो ए बी सी है और ये उसकी हाइट क्या कहलाती है, जो एल्टीट्यूड को ही हाइट कहते हैं पहली बात तो, जो परपेंडिकुलर गिरता है टॉप ऑफ द वर्टेक्स से, ट्राइंगल के टॉप वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर गिरेगा उसको क्या कह देंगे अपन, एल्टीट्यूड, या इसी को हाइट बोलते हैं। बोलिए हेरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जनरल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में क्या होता है, एक बेस होता है, एक एल्टीट्यूड होता है, क्लियर। क्या बेटा क्या दिक्कत हो रहा है, हेलो आवाज आ रही है आपको, आ रही है आदमी धानवी आवाज। चलिए देखिए हेरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एरिया ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल आपको पता है ना क्या होता है, देखो ये ट्राइंगल है, जिस भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरता है, जिस साइड पे गिरता है उसको बेस बोलते हैं और जो परपेंडिकुलर गिरता है उसको हाइट बोलते हैं। इतना क्लियर, खत्म। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, बच्चों वाली चीज है बिल्कुल, बताओ जी, 1/2 इनटू बेस इनटू करेस्पोंडिंग एल्टीट्यूड मतलब हाइट, क्लियर। अच्छा सेकंड, अब मान लो ये वाला जो हमने ट्राइंगल बनाया हुआ है ये इक्विलेटरल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेरी गुड, सारी साइड्स इक्वल होता, मैं सबको ए मान लू कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जनरल यूनियन चल रहा है, फटाफट देखना, और इसका भी कुछ ना कुछ हाइट होगा है ना, लेकिन अपन को उसके मतलब नहीं, अपन को डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, याद है किसी को, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल रूट 3/4 ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट, यूनिट क्या होती है, एरिया की स्क्वायर यूनिट, क्लियर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया, रूट 3/4 ए स्क्वायर, इज इट क्लियर। अच्छा एल्टीट्यूड की हाइट क्या होती है इसमें, एल्टीट्यूड की हाइट, अगर आप किसी भी एग्जाम देने बैठ रहे हो तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ एल्टीट्यूड, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल रूट 3/2 ए यूनिट्स, क्लियर, इसलिए में कोई दिक्कत पक्का, रूट 3/2 ए यूनिट्स, अच्छा और एक और प्रकार का ट्राइंगल होता है, कौन सा होता है, आइसोसेलिस, आइसोसेलिस पर क्या होता है,
तो जो दो साइड इक्वल होंगी उसको हम बी मान लेते हैं और जो तीसरी साइड है उसको हम ए ही मान के रखते हैं, कोई दिक्कत है ना? जो इक्वल साइड है उसको हम बी मान रहे हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आता है? एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल, याद कर लो, 1/4a रूट ओवर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। बिल्कुल, ये मैं कोई पिक्चर ना दिखा रहा हूं, ये आपको पता ही होनी चाहिए इतनी चीजें इसके। अरे मैं हेरोन्स फॉर्मूला पे आऊंगा ना फिर, देखो अपन को। अच्छा देखो एक बात देखो बेटा ध्यान से, इन सब का बेस कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला है, हाफ बेस इनटू हाइट वाला। ये भी डिराइव उसी से हुआ है, ये भी डिराइव उसी से हुआ है, लेकिन इसमें क्या था, हमको हाइट पता होनी चाहिए। बेस तो पता होगा ही होगा, साइड है तो ट्राइंगल, हाइट पता होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कभी हमको किसी ट्राइंगल की हाइट नहीं पता है तो हम तो निकाल नहीं सकते इस फॉर्मूले को यूज करके, उसके लिए हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करेंगे। इसलिए तो सब पढ़ा रहा हूं, क्लियर? चलो इसमें वो भी कर लो, मैंने पढ़ा। ये तीन फॉर्मूले ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, सुनो बेटा, ये कोशिश करना है इसको आपको डिराइव करके लाना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल और एरिया ऑफ आइसोसेलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब मान लो हमारे पास कोई स्केलिन ट्राइंगल आता है। ट्राइंगल के तीन प्रकार पता है ना, आइसोसेलिस, इक्विलेटरल, स्केलिन। स्केलिन में क्या होता है, कुछ ही साइड बराबर नहीं होगी, ठीक है? मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, वो स्केलिन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, क्लियर? अब देखो यहाँ पे हाइट वाइट तो निकालने से रहे, निकाल भी नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि परफेक्ट परपेंडिकुलर भी नहीं गिरेगा कहीं पे। परपेंडिकुलर गिरा भी ना तो यहाँ पे तो क्या होता है, ये भी ए बाय टू, ए बाय टू हो जाता है, ये भी ए बाय टू, ए बाय टू हो जाता है। मतलब आइसोसेलिस और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में जो भी ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो बेस को आधे आधे में ही बांटेगा, क्लियर? तो यहाँ पे हम किसी तरह से पाइथागोरस लगा के हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हाइट कैसे निकाले भैया, यहाँ तो मान लो परपेंडिकुलर है तो यहाँ गिरेगा, अभी पता ही नहीं कितना है, ये पता ही नहीं है कितना है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसके लिए हम यूज करते हैं स्केलिन ट्राइंगल। उसके पहले आप थोड़े से एक दो कंसेप्ट समझ लेते हैं, किसी भी ट्राइंगल का पेरिमीटर कैसे निकालते हैं? पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, वेरी गुड। मतलब यहां के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट? अगर इस ट्राइंगल का एक और नया पैरामीटर निकालना है, सेमी पेरिमीटर, क्या सेमी पेरिमीटर, वो डिनोट होता है स्मॉल एस से, किससे? स्मॉल एस से, और वो क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ने के पहले। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है नाथ भी? कॉपी कर लो इसको फटाफट, जितना भी आपको बोर्ड में दिख रहा है अच्छी अच्छी चीजें। ये वाला, हाँ ये कोई भी ट्राइंगल है जिसका अपन को बेस पता है, हाइट पता है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। रफ कर दूं,
ये लिख लिया आपने सब? चलो तो देखो, हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में आपको बता चुका हूं, कब यूज करने वाले हैं, जब आपको हाइट पता नहीं होती है और सिर्फ तीनों साइड्स पता होंगी ट्रायंगल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल यूज द हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तीन चार लाइन हेरोन्स फॉर्मूला का। हेरोन्स नाम कैसे पड़ा? ओके, हेरोन्स साइंटिस्ट ने दिया था, मैथमेटिशियन ने दिया था इसको नाम। क्लियर? तो लिख लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी बी A, B, C. Let the length of three sides of a triangle ABC be A, B, C. Clear? कोई भी आप साफ सुथरा ट्राइंगल बना लो। मैं जनरली क्या करता हूँ, ए के सामने स्मॉल ए लिखता हूँ, बी के सामने स्मॉल बी लिखता हूँ, सी के सामने स्मॉल सी लिखता हूँ। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी वर्टेक्स रहेंगे, मतलब एंगल्स रहेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हमेशा साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स रहेंगे। करेक्ट? इतना ध्यान रखना है आपको। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन बाय इक्वल टू रूट ओवर S into S minus A into S minus B into S minus C. Square units. Where S is what? Semi-perimeter of a triangle. And S kya ho jayega? A प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये होता है आपका पूरा हेरोन्स फॉर्मूला की कहानी। हाँ बोलिए। तीन चार लाइन लिख लो जो मैंने अभी आपको बोली है ना, वही आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फटाफट लिख लो फटाफट। दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय हेरोन, दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय हेरोन फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। When it is not possible, when it is not possible to calculate the height of a triangle, क्योंकि height पता होगी तो फिर तो हम वाला concept use करेंगे जो पहले use करें, half base into height। Height पता तो base ही पता होगा। To find the when it is not possible to calculate the height of a triangle. हाँ ऑब्वियसली, लिख लो, हेरोन्स फॉर्मूला इज जनरली यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। इट इज जनरली यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल, जनरली ना, जनरली, क्योंकि इसके लिए भाई हाइट नहीं निकाल पाते, बाकी समय जिसमें हाइट होगी तो हम तो हाफ बेस इनटू हाइट यूज करेंगे। इसके पहले मैंने जो आपको एरिया ऑफ इक्विलेटर और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वगैरह पढ़ाए थे वो ओलंपियाड पर्पस से, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, find the area of a triangle whose sides are 12 cm, 16 cm,
and 20 centimeter respectively. हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है? पार्डन, ये लिखा है ना 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जिस क्वेश्चन में भी पॉसिबल हो आपको डायग्राम बनाना है, करेक्ट, बाय यूजिंग द पेंसिल ओनली। क्या? हाँ, ये पढ़ते हैं ना, देखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ओके? फिर यहां पे देखना, यहां लिखा Now, we know that area of triangle this equal to this, this लिखना आपको, ABC ऐसा होता है, S ये होता है, therefore, small s कितना निकल के आएगा, सबको ऐड करो, 12 plus 16 plus 20 upon 2, कितना होता है, 36, 48, मतलब 24 यूनिट्स, करेक्ट? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, डायग्राम वही बना लीजिए, ए को जगह लिख देना आप 12, बी की जगह आप लिख देना 16 और सी की जगह लिख देना आप 20 सेंटीमीटर, करेक्ट? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 24 इंटू 24 माइनस 12 इंटू 24 माइनस 16 इंटू 24 माइनस 20। अब ये सॉल्व करते आपको बनना चाहिए, बनता है ना, रूट सॉल्व करते देखिए 24 और 24 ही लिखो, 24 में से 12 क्या 12 बचा, 16 क्या 8 बचा, 20 क्या तो 4 बचा। अब सबको पता प्राइम फैक्टर कर लो, सबसे अच्छा मेथड प्राइम फैक्टर कर लो, आपके आंसर जल्दी आएंगे। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 12 6 2 इंटू 3, देख लो सही है, 2 टू 4 टू 8 थ्री 24, 12 को कर लो सब इंटू में ही है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 को कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 कर लीजिए 2 इंटू 2, इतना क्लियर है सबको? अब ध्यान दो, रूट के बाहर निकालने के लिए हम पेयर बनाते, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर और ये एक 2 और ये वाला 2, पांच पेयर आ रहे हैं, मतलब दो पांच बार दो बाहर आ जाएगा, हाँ कि ना? और एक 3 का पेयर, एक 3 बाहर आ जाएगा, कर दे रहा हूं, सही कर दे, ठीक है? 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, 32 इनटू 3 इज 96 सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। कठिन बिल्कुल नहीं है, बस आपको रूट सॉल्व करते आना चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन आना चाहिए, एस होता क्या, ठीक है? कर लो इसको बटाफट।
परी कहाँ है? परी ज्वाइन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हमेशा इसी तरह से करना है, ठीक है? कुछ भी दिया हो तीनों साइड्स पता करनी है, सेमी पेरीमीटर निकाल लो और एरोस फॉर्मूला लगाना है। कॉपी कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन आसान वाला है, आपको खुद करना है, ठीक है? चल धार्मिक, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑब्वियसली फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय यूजिंग एरोन्स फॉर्मूला। Find the area of an isosceles triangle by using Heron's formula having base 4 cm, having base 4 cm and length of one of equal side as 6 cm and length of one of equal side as 6 cm. हाँ बोलो क्या? बेस 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीसी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है? और वन ऑफ इक्वल साइड एंड ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो अपन करते थे पहले को कर लो, लेट A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B को भी 6 मान लो या A को 4 मान लो पहले बेस को, B 6 और C 6, ठीक है? अब आगे आपको बढ़ना है, आइसोसेलेस है ना तो बराबर होंगे। चलो आगे, दानवी परी को बोलना शाम तक ये लेक्चर टीचमेंट ऐप पे ही अवेलेबल हो जाएगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो उससे पढ़ा सकती है।
हो गया, कितना आया आंसर? हो गए 2 सेकेंड। कठिन नहीं है ना ये चैप्टर, बस इसका यूज करते आना चाहिए आपको, है ना। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं एप्लीकेशंस इसके, कि कैसे क्वेश्चंस में एप्लीकेशन होते हैं, डेली लाइफ में एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। टाइम लगा रही है, देखो तो क्या हो जाएगा। नाउ वी नो दैट एरिया लेस एंड ड्रिफ्ट लेस क्लियर है था इतना गलत है। 12 4 + 6 + 6/2 8 सेंटीमीटर आ रहा है एस, सही है। पॉइंट में नहीं रूट में आ सकता है, एरिया और ट्राइंगल पुट कर दो वैल्यू। 8 × 8 − 4 × 8 − 6 × 8 − 6 कितना हो जाएगा? 8 × 4 × 2 × 2 तो ये वाला 2 तो वैसे ही बाहर दिख रहा है, और 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 और 4 को 2 × 2 कितने पेयर बन रहा है? 1 2 3 पेयर बन रहा है, और 1 2 बेचारा अकेला रह गया, उसको रूट भी लिख रहे हैं। आंसर आ रहा है 2 × 4 = 8 √2 cm², ये आंसर होगा। देखो टीचर्स जनरली ऐसे कहते हैं सबको मल्टीप्लाई करो फिर प्राइम फैक्टराइज करो, तो अल्टीमेटली वही है, रायता फैलाना, पहले फैला दिया अब फिर समेटो, फिर से अच्छा यहीं पे फैक्टराइज कर दो छोटे छोटे नंबर से, है ना, पेयर बना के बाहर निकाल दो। अरे अभी पढ़ाई करो, बता देंगे सर, खुद सर्च करोगे अपने आप मिल जाएगा, या तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है? आपका होमवर्क है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है, हेरोल्ड फॉर्मूला की, अब ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा भी, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको पूरी एनसीईआरटी एक बार रिवाइज मतलब अटेम्प्ट करनी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बस देखना, क्लियर? आपको समझ में आ जाएगा आप कहां कहां अटक रहे हो। अरे कहां बायनोमियल बताया, कौन सी दुनिया में वो? वो पॉलिनोमियल चैप्टर है बेटा। ये चैप्टर का नाम क्या है? नींद रहे हो, तबीयत खराब हो गई है? हाँ, कोरोना हवा पे मार के निकल गया था ऐसा? कोरोना मतलब कोरोना की हवा लग गई है? चैप्टर कुछ पढ़ा रहा हूं देख कुछ रही हो, मतलब होमवर्क तीसरे चैप्टर का करके लाओगी? एरोस फॉलो है ना, एरोस फॉलो जो तो मिलेगा उसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है आपको, ठीक है? ट्वेल्व पॉइंट वन पूरी करनी है, 12.1। क्या तो नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं था बेटा, वो तो आपको नोट्स लेने पड़ेंगे किसी से। चलो राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चन, इसका यूज करके आपको एरोस फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। And its perimeter is 144 centimeter. दिख रहा है सबको? अरे लिखा है जो, फाइंड फर्स्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल Second, the height corresponding to the longest side. Height corresponding to the longest side. ठीक है भैया? चलो सेकंड वाला पार्ट तो अपन बाद में देखेंगे, उसके पहले अपन पहला वाला पार्ट देखते हैं ना। पहले वाले पार्ट में क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमको साइड्स पता होनी चाहिए, हमको साइड्स तो पता है नहीं, साइड्स के रेशियो पता है ना, तो हम साइड्स के रेशियो से क्या निकाल लेते हैं, लेट द साइड्स बी, जब भी रेशियो दी हो तो साइड्स क्या मानते हैं, 3x 4x एंड 5x respectively, correct? Now, हमको perimeter दिया हुआ है 144, perimeter क्या होता है, sum of sides, क्या हो जाएगा 3x plus 4x plus 5x equal to 144, add कर लो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12x equal to 144,
एक्स कितना हो जाएगा 144 अपॉन 12 मतलब 12 आ रहा है एक्स, क्लियर। तो साइड्स निकल आई भाई, देयरफॉर a इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इनटू 12 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, करेक्ट। b इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इनटू 12 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इनटू 12 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ABC पता चल रहा है, सेम चीज जो कर रहे थे वही करते जाओ। आई बात समझ में? तो आप ऐसा सॉल्व करो, इतना आपको आंसर बता रहा हूं, बाकी का आप चीज आपको होमवर्क करना, घर में करना। देखो ये पूरा पैटर्न रखनाओगे तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आना चाहिए। कितना निकालोगे ना जब इसको यूज करके, एरोस फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है? तो आपका आंसर आएगा पूरा रूट वुट सॉल्व करने के बाद, करना और सॉल्व है ना, रूट सॉल्व करना, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा एरिया। बात समझ में आई? अब देखो जादू, जादू देखो बेटा, ध्यान से, हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड निकालना है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी कहलाई? ये वाली। एरिया पता है आपको, तो 1 बाय 2 बेस इनटू हाइट लगा देना, तो बेस हो जाएगा 60, हाइट निकल जाएगा। आई बात समझ में? आपका हाइट का आंसर आप मुझे बताएंगे निकालने कितना आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में आप हाइट निकाल के बताएंगे कितना आ रहा है, कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का? आज की क्लास सारा रिवाइज करना, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, और एनसीईआरटी करके लानी नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। अरे कहां किया, अभी सॉल्व करना है इसको बहुत सारा, पूरा सॉल्व करना है अभी, और सेकंड पार्ट तो किया ही नहीं है। हाइट निकालने वाला है, थोड़ा सा पेपर में इतना करके अभी पूरा नंबर मिल जाएगा, क्लियर है। चलिए आज यही रुकेंगे, आगे का अगली क्लास में एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद यही हमें और कौन सा चैप्टर हम डिस्कस कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।